हमास से युद्ध के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसराइल को चेतावनी दी है। ओबामा ने कहा कि गजा में इसराइल की कुछ कार्रवाइयां जैसे खाने पीने में कटौती कई पीढ़ियों तक फिलिस्तीनियों के रवैये को सख्त कर सकती हैं, और इतना ही नहीं इसराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को कमजोर कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि कोई भी इसराइली की वो सैन्य रणनीति जो युद्ध की मानवीय लागतों को नजरअंदाज करती हो उनका उल्टा असर हो सकता है। इसराइली सरकार गजा में लोगों के लिए भोजन पानी और बिजली काटने के इसराइली सरकार के फैसले से न केवल बढ़ते मानवीय संकट का खतरा है बल्कि ये पीढ़ियों के लिए फलस्तीनी रवैये को और अधिक कठोर कर सकता है।